नमस्कार दोस्तों, मैं एसके यादव। गुप्त डायनेस्टी पर तीसरी वीडियो क्लिप आपके सामने है, आपको पसंद आएगी। इससे पहले मैंने दो वीडियो क्लिप जारी किया, आपने अच्छा रिस्पांस किया। समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज हम आपको कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त इत्यादि गुप्त शासकों के बारे में बता रहे हैं, आपको पसंद आएगी। दोस्तों, चंद्रगुप्त फर्स्ट की डेथ के बाद उसका बेटा कुमारगुप्त फर्स्ट गद्दी पर आया। कुमारगुप्त फर्स्ट 415 से 455 ईडी तक शासन किया था। कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में इंडिया पर हूणों ने हमला किया था। हूणों के प्रसिद्ध नेता तोरमान और मिहिर कुल थे। हूण हमले से गुप्त डायनेस्टी का बड़ी तेजी से डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था। हूणों के आक्रमण न केवल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर होता था, बल्कि ये हूण आक्रमणकारी मालवा एरिया तक हमला करते थे। कहा जाता है कि बाद में इनका मालवा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऐसे क्षेत्रों पर कब्जा भी हो गया था। हूणों के बार बार हमले से गुप्त डायनेस्टी का बहुत तेजी से डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था। वैसे कुमारगुप्त फर्स्ट के समय में हूण हमला स्टार्ट हुआ, स्कंद गुप्त के शासन काल तक चलता रहा। स्कंद गुप्त ने हूण हमले को नष्ट करने के प्रयास किए थे, लेकिन स्कंद गुप्त के बाद जितने भी गुप्त शासक आए बेहद कमजोर और निकम्मे थे। इनके आक्रमण से गुप्त वंश को छुटकारा नहीं दिला पाए। दोस्तों, कुमारगुप्त फर्स्ट के शासन काल में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार में नालंदा में इसका अस्तित्व मिलता है। प्राचीन काल का नालंदा विश्वविद्यालय सबसे फेमस विश्वविद्यालय था। यहां न केवल इंडिया से बल्कि विश्व के तमाम देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल बौद्ध धर्म के बारे में बल्कि हिंदू धर्म एवं जैन धर्म के बारे में भी शिक्षा दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट किया था, लेकिन आगे हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय अपनी चरम सीमा पर थी। यहां हजारों की संख्या में बाहर से विद्यार्थी आते थे। वैसे गुप्त शासनकाल में भागवत धर्म को मान्यता दिया गया था, लेकिन गुप्त शासक सेकुलर थे, सभी धर्मों को संरक्षण दिया था। आगे हम आपको और बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हर्षवर्धन के समय में, लेकिन याद रखें नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत, नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था, लेकिन 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दिया था। याद रखें 12th सेंचुरी एडी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवाई, और यह आग कहते हैं 6 महीने तक जलती रही। लाखों पुस्तकें रखी गई थी, ये पुस्तकें जलकर खाक हो गई थी। यह भी कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 4 वेदों को भी रखा गया था, और इस अफरा तफरी में ये 4 ओरिजिनल वेद जर्मन स्टूडेंट के हाथ लग गए। जर्मन स्टूडेंट इन वेदों को जर्मनी उठा ले गए। दोस्तों, कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में एक और महत्वपूर्ण बात है, वह यह कि कुमारगुप्त फर्स्ट ने
सबसे अधिक प्रकार के सोने के सिक्के चलाए, मैक्सिमम टाइप्स ऑफ गोल्ड क्वाइंस। वैसे इसके सोने के सिक्के उतने शुद्ध नहीं थे जितने कि चंद्रगुप्त सेकेंड या समुद्रगुप्त के थे। लेकिन दोस्तों याद रखें, गुप्त शासकों में मैक्सिमम टाइप्स ऑफ गोल्ड क्वाइंस कुमारगुप्त फर्स्ट ने चलाया, यह 9 प्रकार के चलाए थे। इसके शासनकाल में 9 टाइप्स के गोल्ड क्वाइंस थे। लेकिन सोने के सिक्कों में सबसे अच्छे सोने के सिक्के गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकेंड और समुद्रगुप्त के थे। कुमारगुप्त फर्स्ट के डेथ के बाद उसका उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त गद्दी पर आया 455 से 467 यानी 455 से 467 एडी तक शासन किया इसने। स्कंदगुप्त को गोविंद गुप्त भी कहा गया है और स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को नष्ट किया, यानी इसके अपने शासनकाल में हूण हमले को सप्रेस किया, लेकिन इसके डेथ के बाद हूण आक्रमण और तेज हो गए और इन हूण आक्रमणों को बाकी गुप्त शासक नहीं दबा पाए। इससे गुप्त वंश का बड़ी तेजी से डिक्लाइन हुआ। वैसे दोस्तों स्कंदगुप्त के बाद कई गुप्त राजा आए हैं, जिसमें भानुगुप्त, कुमारगुप्त सेकेंड, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त, कुमारगुप्त थर्ड इत्यादि गुप्त शासक आए हैं। लेकिन अंतिम गुप्त राजा विष्णुगुप्त था और वैसे गुप्त शासकों के शासनकाल में न केवल सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति स्ट्रांग थी, इवन ये भी कहा जाता है कि महिलाओं की पोजीशन गुप्त काल में काफी अच्छा था। लेकिन दोस्तों भानुगुप्त के शासनकाल में मध्य प्रदेश में एरण लेख 510 ईस्वी में बना है। एरण लेख पर पहली बार सती प्रथा का जिक्र है। इससे पहले सती प्रथा का जिक्र कहीं पर किसी एडिक्ट पर या किसी बुक्स में नहीं हुआ है। हां, ऋग्वेद में यह कहा गया है कि पति के डेथ के बाद पत्नी को पति की चिता पर बैठा दिया जाता था, बाद में एक भद्र पुरुष उसके समीप जाता और यह कहता कि पुत्री उठो, तुमने अपना धर्म खूब निभाया है। इस बात से वह स्त्री पति की चिता छोड़कर चली आती थी। लेकिन सती होने का जिक्र इससे पहले कहीं पर नहीं हुआ है। तो ध्यान रखें 510 ईस्वी का एरण लेख भानुगुप्त ने बनवाया है। यह लेख मध्य प्रदेश में है और इस लेख पर पहली बार सती प्रथा का जिक्र किया गया है। यह कई बार क्वेश्चन पुट अप किया जा चुका है कि किस लेख पर पहली बार सती प्रथा का जिक्र है। दोस्तों भानुगुप्त ने एरण लेख, जिसका हम अभी जिक्र किए हैं, एरण लेख बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेख है। भानुगुप्त के अलावा बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त, कुमारगुप्त सेकेंड और कई गुप्त शासक हैं, लेकिन अंतिम गुप्त राजा विष्णुगुप्त था। इस तरह गुप्त शासन काल में तमाम विद्वान भी थे जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। गुप्त शासन काल में साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमने आपको बताया था। गुप्त शासन काल में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस कंडीशंस के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों किंग को सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था, सेंटर में किंग को डिवाइनिटी यानी दैवी शक्ति प्राप्त थी। किंग अपनी मंत्रिमंडल के साथ पूरे सेंटर गवर्नमेंट को संभालता था।
किंग के मंत्रिमंडल में प्रमुख मिनिस्टर्स होते थे, जिनमें कुछ मिनिस्टर्स के नाम ये हैं, जिसमें पहला है महाबलाधिकृता, महाबलाधिकृता कमांडर इन चीफ होता था, यानी सेनापति होता था। दूसरा प्रमुख अधिकारी महादंडनायक, महादंडनायक चीफ जस्टिस होता था। तीसरा प्रमुख अधिकारी महाप्रतिहार, मेंटेनेंस ऑफ रॉयल पैलेस, यानी राजकीय पैलेस की देखभाल करता था, मेंटेनेंस की देखभाल करता था। चौथा संधि विग्राहक, संधि विग्राहक वार एंड पीस, युद्ध और शांति का मंत्री होता था। पांचवा दंडपाशिक, हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, यानी पुलिस विभाग का उच्च पदाधिकारी होता था, आज का पुलिस कमिश्नर टाइप का। छठा महाश्वपति, कैवेलरी यानी घुड़साल का अध्यक्ष होता था, हेड ऑफ द कैवेलरी। सातवां महामहिपालपति, एलिफेंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता था, महामहिपालपति एलिफेंट्स का इंचार्ज होता था, हेड ऑफ द एलिफेंट डिपार्टमेंट्स। युक्त पुरुष, युक्त पुरुष अकाउंट्स ऑफ वॉर बूटी, यानी लूटे गए माल का पूरा लेखा जोखा तैयार करता था। याद रखें युक्त पुरुष, वार बूटी माने लूट के माल का लेखा जोखा रखता था। खाद्य पाकिक, रॉयल किचन का हेड होता था, रसोइये का हेड होता था ये। महानरपति, इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों का अध्यक्ष होता था। तो दोस्तों ये और इसके अलावा भी कुछ प्रमुख मंत्री होते थे जो सेंटर में किंग का पूरा सपोर्ट करते थे, किंग का साथ देते थे। लेकिन दोस्तों सेंटर के बाद राज्य प्रांतों में डिवाइड थे, प्रांत को भुक्ति या देश कहा जाता था, भुक्ति या देश कहलाता था, और इसका गवर्नर होता था कुमार अमत्य। याद रखे कुमार अमत्य भुक्ति या देश यानी प्रांत का गवर्नर होता था। वैसे देश या भुक्ति में भी एक मंत्रिमंडल होती थी, कुमार अमत्य की मदद करती थी। देश भुक्ति को जिले में डिवाइड किया गया था, यानी डिस्ट्रिक्ट में, जिसे प्रदेश कहा जाता था, और प्रदेश के नीचे ग्राम होता था, ग्राम को विथि कहा गया है, विथि। वैसे ग्राम का हेड ग्रामीणी कहलाता था या ग्रामपति कहलाता था। नगर भी होता था, नगर का अध्यक्ष नगरपति कहलाता था। इस तरह दोस्तों गुप्त काल में प्रशासन के कई लेयर्स थे। गुप्त शासकों के शासनकाल में सामाजिक दशा काफी अच्छी थी। वैसे इस समय तमाम कम्युनिटी आ चुकी थी, तमाम कास्ट भी आ चुके थे। कायस्थ नामक कास्ट इसी समय में आई थी, जो कि कारकुन यानी क्लर्क का काम करते थे। लेकिन इस समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। वैसे तो सती प्रथा का जिक्र हुआ है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो महिलाओं की कंडीशंस काफी अच्छी थी। रामायण महाभारत पर आधारित तमाम ग्रंथ, पुराण जिसको कहते हैं, गुप्त काल में रचे गए हैं, गुप्त काल में कंपाइल किए गए हैं। वैसे तो 18 पुराण हैं,
18 पुराण में पहला है मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण दो महापुराण कहलाते हैं। तो दोस्तों सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी और इसके अलावा धार्मिक कंडीशंस यानी रिलीजियस कंडीशन गुप्त काल में, तो अगर आप देखें तो गुप्त शासक सेकुलर थे, सब धर्मों को मान्यता देते थे, लेकिन गुप्त शासकों का अपना पर्सनल निजी धर्म भागवत धर्म था, जिसको ब्राह्मण धर्म भी कहा गया है, जिसमें वासुदेव कृष्ण की पूजा होती थी। वासुदेव कृष्ण यानी विष्णु भी कहलाते हैं, जिनका वाहन गरुण पक्षी था। गुप्त शासकों ने गरुण पक्षी को एम्ब्लेम बना रखा था यानी राष्ट्रीय प्रतीक बना रखा था। दोस्तों गुप्त काल में सामंती प्रथा यानी फ्यूडलिज्म अपनी क्लाइमेक्स पर थी। वैसे तो सामंती प्रथा सातवाहन काल से ओरिजिन हुई है, लेकिन गुप्त काल में सामंती प्रथा अपनी चरमोत्कर्ष पर थी, चरम सीमा पर थी। वैसे गुप्त शासक जो जमीन दान में देते थे तीन प्रकार के थे। पहला ब्राह्मण को दी गई जमीन ब्रह्मदेय कहलाती थी। ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण जो विद्वान ब्राह्मण थे, किंग के द्वारा जो जमीन दान में दिया जाता था उसको ब्रह्मदेय कहा गया है। दूसरा ऐसी जमीन को जो मंदिर को दिया जाता था देवदान कहलाता था। तीसरा ऐसी जमीन थी जो सेकुलर जमीन दान में दिया जाता था यानी विद्वानों को दिया जाता था, स्कॉलर्स वगैरह को, या किसी विशिष्ट पुरुष को दिया जाता था। ऐसी जमीन सेकुलर जमीन कहलाती थी। तो याद रखें सामंती प्रथा के अंडर में जमीन दान में दिया जाता था और इसके अलावा सामंती प्रथा के कारण ही गुप्त वंश का डिक्लाइन भी स्टार्ट हुआ था। बड़े बड़े सामंत स्वतंत्र शासक बन बैठे थे। दोस्तों गुप्त शासन काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा गया है, दिनार, और चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया है, रूपक, रूप माने चांदी। यानी यहां की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। गुप्त शासकों का व्यापार साउथ ईस्ट एशिया के साथ होता था। इस समय कई प्रमुख बंदरगाह थे जिसमें ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल में, भरकच गुजरात में, भेरीगाजा उड़ीसा में, तीन बड़े बड़े बंदरगाह थे। इनके अलावा छोटे मोटे कई बंदरगाह थे। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ गुप्त शासकों के व्यापार सबसे ज्यादा होते थे। गुप्त शासकों के शासनकाल में बाहर से सोना सबसे ज्यादा आता था, जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं कि गुप्त काल में सोने की प्रचुरता के कारण इसे गोल्डन पीरियड भी कहा गया है। और वैसे गुप्त शासकों के शासनकाल में गिल्ड सिस्टम यानी मर्चेंट का ग्रुप्स गिल्ड सिस्टम कहलाता है। इन गिल्ड्स को सिक्के छापने, सिक्के बनाने का अधिकार भी था। गुप्त काल में कई ऐसे गिल्ड थे नगर या शहर में जिनका मेन काम यही था, वे अपने नाम के भी सिक्के चला लेते थे। वैसे गुप्त काल में विष्ठी शब्द का भी प्रयोग मिला है। विष्ठी का मतलब फोर्स्ड अनपेड लेबरर यानी ऐसे मजदूर जिनको बिना वेतन के ही काम ले लिया जाता था। इस तरह गुप्त शासन काल में ये तमाम बातें हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आएगी। दोस्तों अगर यह क्लिप पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।